मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिन से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 वर्ष के थे। उन्हें तबियत बिगड़ने पर बुधवार को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। उनके निधन ने देश भर में शोक ला दिया है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा, मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि 86 साल के उद्योगपति रतन टाटा जब बीमार हुए तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली है। रतन टाटा के निधन के बाद से उद्योग जगत में, राजनीतिक जगत के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर। एक बड़े बिजनेस टाइकून जिन्होंने बताया कि कैसे अपनी मेहनत के बल पर बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। मुकेश अंबानी ने भी कहा कि हमने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान, अपूर्णीय क्षति उद्योग जगत के लिए। बताया कि तबीयत बिगड़ी थी। तबीयत बिगड़ने के बाद से बुधवार को आईसीयू में रतन टाटा को एडमिट कराया गया था और उसके बाद से तबीयत उनकी सुधरी नहीं और उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो उनके निधन से देश भर में शोक की लहर। बता दें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। राजकीय सम्मान से विदाई रतन टाटा की जाएगी। 28 दिसंबर 1937 में जन्म और 9 अक्टूबर 2024 से वो तारीख जब अंतिम सांस रतन टाटा ने लिया। रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। बता दें कि करीब 11 बजे का रात का वक्त जब उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा है कि उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे, क्योंकि उम्र लगातार बढ़ रही थी। और ऐसे में हालांकि इस समय में भी कई वो इवेंट्स में लगातार हिस्सा लेते रहे, मजबूती के साथ अपनी बात रखते रहे, लेकिन आखिरकार उनका निधन हुआ। बता दें कि निधन के बाद से कई एक साथ जो एक्सपर्ट पोस्ट है वो भी सामने आए और रतन टाटा के बारे में लोग इस बात का चर्चा भी करते हैं कि ईमानदारी, चाहे वो नैतिक नेतृत्व की बात हो और चाहे परोपकार हो, इसके लिए रतन टाटा जाने जाते थे, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। और बता दें कि रात के करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रतन टाटा के उपलब्धियों की अगर बात करें तो 2008 वर्ष जब भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है वो भी उन्हें मिला, तो कई अवार्ड से वो सम्मानित भी किए गए। तो वहीं रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों को अपना मुरीद बना लिया। तो देखिए, रतन टाटा के निधन के बाद से कई उद्योगपति शोक जाहिर कर रहे हैं, उनकी यादों को भी सजो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके के इंसान वो थे और कई अवार्ड से सम्मानित भी अपने काम को लेकर के किए गए। बता दें कि 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2008 में
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो टाटा संस के चेयरमैन जिनका निधन रतन टाटा का हुआ है, और इस बीच अलग अलग लोगों ने शोक जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रतन टाटा की जब जब मुलाकात हुई तब की तस्वीर साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और उन्होंने लिखा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यादें हैं, उन यादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजोया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ब्रिज कैंडी अस्पताल में जब 11:30 बजे का वक्त था निधन हुआ रतन टाटा का। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पार्थिव शरीर को घर लेकर के पहुंचाया गया, और आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा। तो रतन टाटा के निधन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि यह भारत और भारतीय उद्योग जगत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का निधन सिर्फ टाटा समूह के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए एक बड़ी क्षति है। व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है सीएम नीतीश कुमार ने, दुख जताया है। नीतीश ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने भी दुख जताया है। तो कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने रतन टाटा के निधन के बाद से दुख व्यक्त किया है। बता दें कि झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। तो रतन टाटा के निधन पर शोक की लहर, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। इसके साथ साथ झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। तो रतन टाटा जिनका निधन हुआ है, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब अवार्ड से सम्मानित किए गए थे रतन टाटा, और रतन टाटा के लिए भी कई यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि बड़े बिजनेस टाइकून, और उन्होंने भारत के विकास के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभाई। अलग अलग सरकारों के साथ उन्होंने काम किया, विदेश के स्तर पर भी उन्होंने कई जो बिजनेस रिलेशन है उसको भी उन्होंने स्थापित किया, और इसके लिए वो जाने जाते हैं कैसे व्यापारिक संबंध अन्य देशों के साथ अच्छे हो। इसके लिए चाहे उनके कई प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें अव्वल रतन टाटा की कंपनी रही, और टाटा ने कई ऐसे बड़े काम किए और उन बड़े कामों का नाम आज भी है, और उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हम भारतीय करते हैं। तो उन्होंने बताया कैसे हम स्वदेशी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही हैं उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, और हमारी तकनीक कितनी आगे हैं और देश उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है, ये रतन टाटा ने सिखाया। तो कई ऐसे क्षेत्र जिसमें रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान।